हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे मेरे भाई लोग, कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा सीएनजी के बारे में। गाड़ी में क्या कुछ बड़े चेंज किए गए हैं, यहाँ पर आपको माइलेज क्या मिलती है, पावर एंड टॉर्क यानी कि इंजन स्पेसिफिकेशन क्या मिलती है, गाड़ी के कौन से वेरियंट में आपको सीएनजी का ऑप्शन मिलेगा और मेनली गाड़ी के प्राइस में आपको क्या कुछ डिफरेंस नज़र आने वाला है, और सबसे बड़ी बात, क्या ये न्यू वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, सबके बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। अगर वेरिएंट वाइज शुरुआत करें तो हमने सोचा था यहाँ पर आपको सिग्मा मॉडल से सीएनजी का ऑप्शन मिलना शुरू होगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आपको डेल्टा एंड जेटा मॉडल में ही सीएनजी का ऑप्शन मिलने वाला है। तो भाइयों, अब आपके मन में भी सेम सवाल आया होगा कि सिग्मा को हटा करके डेल्टा से ही सीएनजी का ऑप्शन देना क्यों शुरू किया। तो भाइयों, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है पब्लिक डिमांड। आज की डेट में लोग काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करने के लिए भी तैयार हैं सिग्मा वेरिएंट के लिए, क्योंकि लोग अच्छे से जानते हैं कि सिग्मा वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। सेगमेंट के हिसाब से देखें या प्राइस वाइज देखें, यहाँ पर आपको भर भर के फीचर्स मिल जाते हैं। तो अगर यहाँ पर मारुति सिग्मा मॉडल से ही अपने सीएनजी की शुरुआत करते तो ये वेटिंग और भी ज़्यादा बढ़ जाती और काफ़ी लंबी वेटिंग का लोगों को सामना करना पड़ता। तो इसीलिए मारुति ने डेल्टा से यहाँ पर शुरुआत की है सीएनजी की, ताकि डेल्टा को भी थोड़ी बहुत प्रीमियम मिलनी शुरू हो और यहाँ पर डेल्टा की भी वैल्यू इंक्रीज हो। अब बात कर लेते हैं प्राइस वाइज, यानी कि डेल्टा सीएनजी एंड नॉर्मल डेल्टा में आपको क्या कुछ प्राइस मिलता है। यहाँ पर अगर आप नॉर्मल पेट्रोल डेल्टा खरीदते हैं तो आपको 11.90 लाख का एट शोरूम प्राइस पड़ता है। वहीं पर अगर आप सीएनजी मॉडल खरीदते हैं तो आपको 12.85 थाउजेंड की एट शोरूम प्राइस पे करनी पड़ेगी। वहीं पर अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, तो आप जा सकते हैं जेटा के ऊपर। नॉर्मल पेट्रोल इंजन के साथ जेटा मॉडल आपको मिलता है 13.89 लाख एट शोरूम पर। वहीं पर अगर आप सीएनजी मॉडल की तरफ बढ़ते हैं तो आपको 14.85 लाख एट शोरूम प्राइस पे करना पड़ेगा। तो लगभग 1 लाख का प्राइस डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में, क्या यहाँ पर इंजन में कुछ बड़े बदलाव हैं या नहीं। गाड़ी में आपको मिलता है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, जिसमें आपको कोई भी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी नहीं मिलती, और ये इंजन प्रोड्यूस करता है 87 bhp और 125 Nm का टॉर्क। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें माइलेज की, तो नॉर्मल पेट्रोल वर्जन में आपको 21.1 kmpl की माइलेज मिलती है। वहीं पर सीएनजी मॉडल में आपको 26.6 kmpl की माइलेज देखने को मिल जाएगी। और ये जो मैं आपको जितने भी नंबर बता रहा हूँ माइलेज के, ये कंपनी क्लेम करती है, मैं खुद क्लेम नहीं कर रहा हूँ। और हाँ भाइयों, सबसे बड़ी बात, यहाँ पर सीएनजी मॉडल में आपको कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही सीएनजी का ऑप्शन मिल सकता है। तो भाइयों, ये तो हो गई बात न्यू सीएनजी वेरिएंट की, यानी कि यहाँ पर आपको क्या कुछ माइलेज मिलने वाली है और क्या कुछ बड़े अपडेट नज़र आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है, क्या ये न्यू वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, क्या आपको इनकी तरफ बढ़ना चाहिए या आपको सिर्फ नॉर्मल पेट्रोल इंजन भी अच्छे से खुश रख सकते हैं। तो मेरे नज़रिए से मुझे नहीं लगता ये इतना कुछ वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि नॉर्मल पेट्रोल इंजन के साथ आपको 21 kmpl की माइलेज मिलती है और वहीं पर सीएनजी के साथ आपको 26 kmpl की माइलेज मिलती है। तो मुझे नहीं लगता ये नंबर ऑफ डिफरेंस कुछ ज़्यादा बड़ा है। अगर आप अपनी गाड़ी को प्यार से चलाओगे तो वो गाड़ी भी 26 kmpl की माइलेज आराम से निकाल सकती है। तो मुझे नहीं लगता ये बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी है, और आपको ऊपर से सीएनजी मॉडल में लंबी लाइनों में भी खड़ना पड़ेगा, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा, और इतनी बड़ी एसयूवी में सीएनजी होने के बावजूद भी आपको जो बूट स्पेस है वो ना के बराबर ही मिलेगी, तो आपको स्पेस इशू भी होने वाला है। और सीएनजी के प्राइस भी आज की डेट में आराम आराम से बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा प्रॉफिट वाली बात तो नज़र नहीं आ रही। लेकिन हाँ, हर बंदे की अपनी अलग सोच होती है। अगर आपको लगता है आपके नीड्स को गाड़ी एकदम जस्टिफाई कर रही है, आपके नीड्स को फुलफिल कर रही है, तो आप इस गाड़ी की तरफ बिल्कुल बढ़ सकते हैं। और अगर आप उस सरदर्दी को झेल सकते हैं, वो सीएनजी की सरदर्दी को अच्छे से निपटा सकते हैं, तो हाँ, आपके लिए गाड़ी एकदम बढ़िया बन जाती है। तो
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और जाने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना।